हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक नए वीडियो को लेकर, जो है एचडीएफसी लाइफ का सुपर इनकम प्लान। और ये जो प्लान है आपको हर साल 12% तक का इंटरेस्ट दे सकता है। इसका मतलब है कि ये जो प्लान है आपको सेविंग अकाउंट से 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट देगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत बंद करना, और वीडियो को पूरी तरह देखने के बाद ही डिसाइड करना कि ये जो प्लान है वाकई में आपके लिए अच्छा है या नहीं है। इसके साथ ही यार, मैं अभी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नया हूं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाजू में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो उसकी जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। और आज का हमारे इस वीडियो पर टोटल लाइक का टारगेट है टोटल 100, तो फटाफट जाके यार पहले लाइक कर दो, ताकि हम अपने टारगेट को इजिली अचीव। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लान के पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ पर जो 6 ऑप्शन दिया गया है, चाहे तो आप इस प्लान को 16 साल के लिए ले सकते हो, चाहे 18, 20, 22, 24 या फिर 27 साल के लिए इस प्लान को ले सकते हो। और इस प्लान को लेने के लिए जो मिनिमम एंट्री एज है वो रखी गई है। अगर आप इस प्लान को जो 16 साल के लिए लेना चाहते हो, तो आपकी जो उम्र है कम से कम 2 साल की होनी चाहिए, तभी आप इस प्लान को ले सकते हो। और यही प्लान को अगर आप 18 से 27 साल के लिए लेना चाहते हो, तो जो है इस प्लान को लेने के लिए आपकी जो उम्र है कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए, 30 डेज की, ओके। और सेकंड जो है मैक्सिमम एंट्री एज की, तो यहाँ पर जो है अगर आप 16 साल का कोई प्लान लेते हो, तो उसके लिए आपकी जो उम्र है जो 59 इयर्स के ऊपर की नहीं होनी चाहिए। और 18 साल के लिए कोई प्लान लेते हो, तो आपकी जो उम्र है 57 इयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, ओके। और यही 20 साल के लिए आप प्लान लेते हो, तो 55 साल से आपकी ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और 24 साल के लिए इस प्लान को लेते हो, तो आपकी जो उम्र है वो 51 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, ओके। और 27 साल के लिए अगर आप इस प्लान को लेते हो, तो आपकी जो उम्र है वो 48 साल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पर जो है मिनिमम एज और मैक्सिमम एंट्री एज जो है मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट जो बढ़ते हैं वो है पेमेंट मोड की बात करें, तो पेमेंट इस प्लान के लिए 4 ऑप्शन दिया है। जैसे आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली कोई भी पेमेंट में चूज कर सकते हैं, और उस हिसाब से पैसे भर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है प्रीमियम पेइंग टर्म। अब यहाँ पर जो प्रीमियम पेइंग टर्म, यहाँ पर 8 साल, 10 साल और 12 साल रखी गई है। इसको मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज अगर आपने कोई 20 साल के लिए प्लान लिया है, तो आप 20 साल के प्लान में चूज कर सकते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ 8 साल जो है प्रीमियम भरोगे, या फिर 10 साल प्रीमियम भरोगे और बाकी के जो 10 साल आप प्रीमियम नहीं भरोगे, आप खाली जो है पॉलिसी का बेनिफिट लोगे, ओके। तो यहाँ पर जो है जो प्रीमियम पेमेंट मोड टर्म रखी गई है वो 8 साल, 10 साल या फिर 12 साल, 3 रखी गई है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट की बात करें, तो देखो यहाँ ये पॉलिसी जो है आपको 220% से लेके 325% तक का जो है मैच्योरिटी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, जो भी आपका सम अश्योर्ड है, चाहे वो 5 लाख का हो चाहे 10 लाख का हो, ओके। तो यहाँ पर देख लो, सपोज आपकी पॉलिसी अगर 5 लाख की है, तो उसका 325 गुना यानी 15 लाख रुपए ऑलमोस्ट आपको जो है मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा इस पॉलिसी के थ्रू। अगर ये पॉलिसी ऐसा बोलती है, मैच्योरिटी बेनिफिट जो है ये 220% से लेके 325% तक का देती है सम अश्योर्ड का, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा पॉलिसी है भाई, इसके लिए तो उसको लाइक जरूर दे दो पहले, ओके। और नेक्स्ट जो है सम अश्योर्ड की बात करें, तो यहाँ पर जो मिनिमम सम अश्योर्ड रखा गया है, अगर आप इस प्लान को लेते हो, तो कम से कम आपको इस प्लान को जो है 1,28,337 रुपये का लेना होगा। इससे कम की आप पॉलिसी नहीं ले सकते। और मैक्सिमम की बात करें, तो कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे 1 करोड़ का लो चाहे 100 करोड़ का लो, ओके। नेक्स्ट जो है वो है गारंटी बेस इनकम पर ईयर। ये जो इस पॉलिसी का फीचर्स है, इसकी वजह से मैंने इस प्लान को चूज किया है, ओके। ताकि मैं आपको इस प्लान के बारे में बताऊं कि ये जो पॉलिसी है भाई, हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर, हर साल आपको जो 8% से लेके 12.5% तक का जो है इंटरेस्ट देती है सम अश्योर्ड का, ओके। और अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे भाई फिक्स डिपॉजिट में नहीं मिलता, 7%, 7.5% तो फिक्स डिपॉजिट का जो है इंटरेस्ट रेट है, आरडी का भी वही सेम रेट है, और इंटरेस्ट रेट जो सेविंग अकाउंट है उस पे तो बहुत सारे बैंक 3.5%, 4%, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता, ओके। लेकिन ये जो पॉलिसी है भाई, आपको हर साल जो है 12.5% तक का जो इंटरेस्ट रेट देगी सम अश्योर्ड का, ओके। तो यार अगर यहाँ पर आप लाइक करना भूल गए हो, तो भाई जरूर 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 जाके इस पॉलिसी के लिए लाइक कर दो, या फिर मेरी इस प्रेजेंटेशन के लिए, ओके। तो नेक्स्ट जो है वो है फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप
मैनुअली यानी कि फिर ऑफलाइन किसी एजेंट के थ्रू खरीदते हो इस पॉलिसी को, तो 15 दिन तक आपको जो फ्री लुक पीरियड मिलेगा, और इस 15 दिन के अंदर अगर आप पॉलिसी लेने के बाद खुश नहीं हो तो जो है आप इस पॉलिसी को बंद करवा सकते हो, और आपने जो भी पेमेंट की है, जो भी प्रीमियम का पैसा भरा है, वो पूरा का पूरा जो है इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस दे देगी। और यही पॉलिसी अगर आप ऑनलाइन खुलवाते हो, ओपन करवाते हो, तो आपको जो 30 दिन तक का जो है आपको एक टाइम पीरियड मिलेगा पॉलिसी को बंद करवाने का। ओके, यहाँ पर जो है ग्रेस पीरियड। अब ग्रेस पीरियड ये होता है बेसिकली, अगर आप पॉलिसी लेने के बाद आपको जब प्रीमियम भरने का टाइम आ जाता है, तो आपको जो है अगर आप मंथली हर महीने का पैसा भरते हो, तो आपको 15 दिन की छूट दी जाती है कि आप 15 दिन, आपने 15 दिन तक पैसा नहीं भरा तो भी जो पॉलिसी चलती रहेगी। और अगर आप यही जो है ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली का प्रीमियम का जो है टर्म्स लेते हो, तो आपको 30 दिन तक छूट दी जाती है कि अगर आप आज प्रीमियम भरना भूल गए तो नेक्स्ट 30 डेज, 1 महीने की आपको छूट मिलेगी। इस बीच में अगर आप प्रीमियम नहीं भरते तो आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं देनी पड़ेगी। ओके, तो ग्रेस पीरियड भी यहाँ पर इस पॉलिसी का अच्छा है, फ्री लुक पीरियड भी। मेन तो यहाँ पर मुझे जो चीज़ अच्छी लगी है वो गारंटीड बेस इनकम पर ईयर है, जो आपको हर साल 12.5% तक का इंटरेस्ट देगी सम अश्योर्ड का। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है पॉलिसी कवरेज की बात करें, तो ये जो पॉलिसी है इसमें आपको डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों ही जो बेनिफिट मिलने वाला है। डेथ बेनिफिट, अगर पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई तो जो तो भी पैसा मिलेगा, और पॉलिसी लेने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं हुई और पॉलिसी जो मैच्योर हो गई, पॉलिसी खत्म हो गई, तो भी जो कि पॉलिसी का जो भी आप प्रीमियम भरा है वो पैसा मिलेगा। तो इसमें डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों ही इंक्लूड है इस पॉलिसी में। तो चलिए बात करते हैं इस प्लान के बेनिफिट की। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं HDFC लाइफ सुपर इनकम प्लान के बेनिफिट को। तो यहाँ पर जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है टैक्स बेनिफिट का, कि अगर इस प्लान को लेते हो तो आप जो भी जितना भी प्रीमियम भरते हो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा, और जो इस प्लान का जो भी इनकम होगा, यानी कि जो हर साल आपको जो मिलने वाला इनकम है या फिर जो 20 साल बाद मिलने वाला जो मैच्योरिटी बेनिफिट है, वो भी टोटल का टोटल जो है टैक्स फ्री होगा। तो इसका जो है पहला बेनिफिट ये है। सेकेंड जो बेनिफिट है डेथ बेनिफिट का, कि अगर इस पॉलिसी के हिसाब से पॉलिसी लेने के बाद जब तक पॉलिसी चालू है, इस बीच में अगर कभी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई है, तो उसको जो है रिवाइजनरी बोनस और टर्मिनल बोनस दोनों को मिला करके जो भी उसका डेथ बेनिफिट का अमाउंट है उसके घर वालों को दे दिया जाएगा। ओके, थर्ड जो बेनिफिट है वो है लोन ऑन पॉलिसी, कि इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर जो भी सरेंडर वैल्यू होती है, ओके, उसका 80% तक उसको लोन मिल सकता है। अगर सरेंडर वैल्यू 10 लाख की हुई तो जो है उसको 8 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा इस पॉलिसी के थ्रू। ओके, थर्ड जो है वो है सरेंडर बेनिफिट। इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर 2 साल तक पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम भरा, ओके, यहाँ पर देखिए 2 साल तक अगर प्रीमियम भर दिया तो जो है उसका तब इस पॉलिसी का जो सरेंडर बेनिफिट चालू हो जाता है। ओके, तो अगर इस आगे चल के 2 साल तक प्रीमियम भरने के बाद आगे कभी वो जब पॉलिसी बंद करवाता है तो उसको कुछ ना कुछ पैसे वापस मिलेंगे जो उसका सरेंडर बेनिफिट अमाउंट होगा। ओके, थर्ड जो बेनिफिट है वो गारंटीड बेस इनकम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, ये जो पॉलिसी है आपको 12% तक का जो है रिटर्न देती है हर साल का। तो यहाँ पर ये पॉलिसी देखो, यहाँ पर आप खुद ही लिखो, दी प्लान ऑफर्स गारंटीड बेस इनकम पर ईयर विच इज 8% to 12.5% ऑफ द बेसिक सम अश्योर्ड पर ईयर। ओके, यानी कि जो भी सम अश्योर्ड होगा, चाहे वो 10 लाख का हो चाहे 15 लाख का हो, उस पर हर साल आपको जो है 12% तक, 12.5% तक का जो है एक गारंटीड इनकम आपको देगी, जो कि मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा होगा, अभी अभी करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाला जो है ये प्लान होगा। ओके, क्योंकि अगर मैं बात करूँ फिक्स डिपॉजिट की, तो वो लगभग 7.5-8% तक का रिटर्न देती है एक साल का। ओके, उसमें भी टैक्स देना पड़ता है। ओके, अगर 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट आपको मिलता है तो उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा। और RD की भी बात करूँ तो वो भी सेम ही है। ओके, और सेविंग अकाउंट की बात करूँ तो भाई वो तो 3.5% से लेकर 4% तक का ही रिटर्न देता है एक साल का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको जो सेविंग अकाउंट से ये 3 गुना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है ये जो जो सुपर इनकम प्लान है ये HDFC लाइफ का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी प्लान है। ओके, नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो बोनस। बोनस की बात करूँ तो हर साल ये जो है बोनस आपको देता है रिवाइजनरी बोनस हर साल, और जब पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको जो है एक लमसम बोनस देगा जो होगा, जिसको कहते हैं टर्मिनल बोनस। मतलब हर साल आपको बोनस तो देगा ही देगा, लेकिन जब पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद भी जब आपको सम अश्योर्ड के साथ टर्मिनल बोनस करके ऐड करके जो थोड़ा अमाउंट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको देख लो इस पॉलिसी में बहुत कितने कितने बेनिफिट है।
सरेंडर बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट है, गारंटीड बेस इनकम बेनिफिट है, बोनस बोनस हर साल दे रही है, प्लस पॉलिसी खत्म होने के बाद भी आपको बोनस मिलेगा, ओके, डेथ बेनिफिट भी है, सब कुछ है। तो ये जो है उस हिसाब से मैंने प्लान आपको बताया, ओके। तो लेकिन मेन तो ये जो 12% का इंटरेस्ट दे रही है हर साल ये पॉलिसी, इसके लिए मैंने सोचा ये आपको प्लान बताना ज़रूरी है, ओके। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस प्लान के बारे में क्या सोचते हैं यार, मुझे कमेंट करें इस प्लान के बारे में कि आपको ये प्लान कैसा लगा, ओके। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको HDFC लाइफ के सुपर इनकम प्लान की पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे दी है, और भाई ये नॉर्मल से प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, और कहाँ कहाँ से जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर उसमें प्रेजेंटेशन बनाना, फिर उसमें जो है एनिमेशन डालना, तो बहुत मेहनत लगी है। तो यार भाई वीडियो को अगर लाइक कर दो तो मुझे बहुत खुशी होगी, और उसके साथ ही यार अपना ओपिनियन भी देना इस प्लान के बारे में कि आपको ये प्लान कैसा लगा, अच्छा लगा कि बकवास लगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर देना, ओके। और यार अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ तो मेरी चैनल को जो सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और बाजू में जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोज़ अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।